पुष्पा मूवी देखी है आपने? उसमें अल्लू अर्जुन जो है वो साउथ के एक डाकू का रोल कर रहे हैं जो कि लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। और क्या आपको पता है कि ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? क्या आपने वीरप्पन के बारे में सुना है? हाँ, वही बड़ी मूंछों वाला। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वीरप्पन इंडिया का सबसे बड़ा डाकू था और उसने ऐसे ऐसे काम किए जो आप सोच भी नहीं सकते। 1969 में वीरप्पन सिर्फ 17 साल का ही था तब उसने अपने लाइफ का पहला मर्डर किया था। फिर इसको पता चला कि लाल चंदन बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और महंगा भी होता है, तो उसने उसकी तस्करी शुरू कर दी। वीरप्पन ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 65,000 किलोग्राम चंदन स्मगल किया है जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 143 करोड़ रुपए। फिर इसको पता चला कि हाथी के दांत की कीमत तो लाल चंदन से भी ज्यादा है, तो उसने हाथियों को मारना शुरू किया और उनके दांत बेचना शुरू किया। और वीरप्पन ने अपनी लाइफ टाइम में टोटल 3,000 से भी ज्यादा हाथी मारे हैं जिनके दांतों की कीमत अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ रुपए होती है। वीरप्पन एक बहुत ही ज्यादा बेरहम डाकू था और इसके रास्ते में जो भी आता था ना वो उसको सीधा मार देता था, और इसी वजह